किशन पिछू बेटी की वजह से कि मेरी बेटी और ये लोग कह रहे हैं कि मेरी बेटी के कदम मनहूस है जो आते ही दादाजी को खा गई है ये सारी फितरतें ये जो मान्यताएं हमारे दिमाग में घूमती रहती है ना कि नई नई दुल्हन जब घर में आती है और कोई जाता है तो उसी की वजह से हुआ या उसके पैर पड़ने से हुआ उसके पैर बड़े भारी हैं डायन है ये है वो है वो सारी चीज़ें हम हटाना चाहते हैं। ये पंडित जी का रोल है और जनरली ऐसी फिल्म में पंडित जी का रोल एक सामान्य जैसा ही होता है या कहीं महत्वपूर्ण भी होता है लेकिन इस पिक्चर में किसके बाल कटेंगे किसके नहीं वो सारी साजिश रचने में पंडित का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। हम काफ़ी मिलजुल के काफ़ी कॉमिक बना देते हैं सीन को अगर बनाना होता है तो बनाना होता है तो मतलब आई मीन इफ द सीन रिक्वायर्स ओके द लास्ट व्हाट मैसेज डू यू वांट टू गिव टू द ऑडियंस व्हाई दे कम एंड बी अ पार्ट ऑफ योर फिल्म व्हेनेवर इट्स गेटिंग रिलीज। सर ये फिल्म बेसिकली हमने एक प्रैक्टिकल इसके अंदर जीवन का पहलू है जिसके अंदर किसी के पास टाइम नहीं है किसी के लिए भी। पारिवारिक फिल्म की फिल्म है जिसमें हमने पूरे परिवार को लेके ये फिल्म बना रहे हैं और ये आपको फिल्म हंसते हंसते रुला देगी और ऐसी कहानी शायद है पहली बार आई होगी पर्दे पे कि आपको देखने का भी मज़ा आएगा और पूरा कहानी ऐसा है कि आप लगोगे आप इसके अंदर इन्वॉल्व हो
और कहानी में हमारे डॉक्टर साहब मनोज जी ने परिवार के लिए पारिवारिक स्वरूप को दिया, बड़ा संयुक्त परिवार को, संयुक्त परिवार के हिसाब से पूरे परिवार को संयुक्त रूप से दिया गया है। उसके लिए हर आदमी का अलग अलग किरदार बनाए, उसी हिसाब से इसको बनाया। मनोज जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और जेन्युइनली, नहीं तो हमेशा इंटरव्यू में मैं आप लोगों को कहता हूँ जब काम अच्छा नहीं होता, हमारे शोज़ भी आते हैं और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जब डायरेक्टर आके कहता है बहुत अलग फिल्म है, बहुत अलग शो बना रहे हैं, तो मैंने हमेशा इंटरव्यू में कहा कोई अलग नहीं है, वही होने वाला है, और हो सकता है हम भी बोर हों, पब्लिक भी बोर हों, तो इतना ब्लंट हूँ मैं। ये जेन्युइनली बहुत बढ़िया काम हो रहा है, और हम लोगों की जो पर्सनल लाइकिंग है राजपाल भैया के लिए और इनकी हमारे लिए, रजनीश के लिए, वो सारी जो केमिस्ट्री है वो स्क्रीन पर नज़र आएगी, आप देखना, जेन्युइनली बहुत बढ़िया बढ़िया सीन्स हो रहे हैं और एक एक सीन पे हम लोग सब वर्क कर रहे हैं। बड़ा बहुत दिन बाद माला माल बिकली जैसा फील आ रहा है, मतलब अलग 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 लोग हैं। मनोज जी के बारे में ये कि मनोज जी को इकट्ठा करने की बड़ी आदत है और अच्छे अच्छे लोगों को हमेशा जोड़ लेते हैं। ये हमारी इनके साथ दूसरी फिल्म है और इनको हम देखते फिल्म यस कर देते हैं क्योंकि इनकी कुछ हम सब्जेक्ट बाद में पूछते हैं। आइए आइए सर, मैं आपको दिल की बात बताता हूँ। मैं राजपाल का बहुत बड़ा फैन हूँ और सर, कॉमेडी और लोगों को हंसाना सबका काम नहीं है जी। और जब पहली फिल्म ये कर रहे थे, उनका छोटा सा रोल था, और जब एक शॉट दिया इन्होंने चेन्नई में, तो उस वक्त मैं और प्रियम जी कोने में गए और प्रियम जी ने बोला कि ये कल का बहुत बड़ा सुपरस्टार है क्योंकि इसकी टाइमिंग बहुत अच्छी, मैंने आज तक जिक्र नहीं किया। और एक और फिल्म थी इन्होंने रामू की थी, जंगल। वो पिक्चर देखने के बाद मैं और सलमान खान शूटिंग कर रहे थे, नाइट शूटिंग थी, हेलो ब्रदर। और 700-800 फिल्मों का एक जिसका इतिहास रहा हो 3 जनरेशन के साथ में, और आज भी मैं आपको बता रहा हूँ कि शक्ति पाजी का हम सबको ये आशीर्वाद हम मान सकते हैं, इसमें हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं, हम इसको एक एनर्जी के रूप में लेते हैं। लेकिन इंडस्ट्री में तो शुरू हुआ है और बहुत मज़ा आ रहा है। आई थिंक ऑब्वियसली दे आर ह्यूज कॉमिक वाइज, ह्यूज एक्टर्स अदरवाइज ऑल्सो, एंड मैं पहले मतलब राजपाल जी के साथ मैंने काफ़ी काम किया है, काफ़ी मतलब एक फिल्म में किया है कृष्णा, और मैंने अभी एक फिल्म ख़त्म की है, एंड सर के साथ मैं एक फिल्म पहले कर चुका हूँ, तो अभी बात बताया था थाईलैंड वाला रोल है। बट जैसे कहानी है, सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में, कई बार आप सीरियस सिचुएशन होती है लेकिन आप अपनी अपनी ज़िंदगी की कहानी लेके आए, एक जगह इकट्ठे होते हो, और मेरा ये कैरेक्टर है जिसको हनीमून की पड़ी है, शादी हुई है, आई डोंट नो उसका हनीमून होगा नहीं होगा, उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। बट गुजराती लड़की है और अपने पप्पा की बहुत लाडली है, एंड शादी हुई है उसकी, कोर्ट मैरिज उसने की है, उसके आगे उसकी लाइफ में जो कुछ है हनीमून। मैं डायरेक्टर से दरख्वास्त करूँ अगली फिल्म में मुझे ऐसा किरदार दे जो हनीमून की पड़े। नो बट जेन्युइनली मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा मनोज जी के लिए कि हम लोग इतनी जो तारीफ कर रहे हैं, ये नहीं कि यहाँ पर बैठे हैं, बट इन्होंने इतना हैंडल, इतनी बढ़िया तरीके से सबको हैंडल करके रखा हुआ है, और बहुत प्यार से बोलते हैं ना कि काम करते पता ही नहीं चलता कि यार इतना बढ़िया सीन हो गया, और हम एक एक दिन ये कोशिश रहती है कि हर एक सीन जो है वो परफेक्ट हो जाए। तो अगर हमारे 50 सीन है तो अगर हम उसमें से 40 भी माइंड ब्लोइंग निकालते हैं तो फिर हमारी फिल्म माइंड ब्लोइंग हो जाए। सबसे अच्छी बहुत यूनिक एक सटायर कॉमेडी, जैसे सबने आप लोगों ने कहा कि मालामाल वीकली जॉनर की है, तो जॉनर तो वही है लेकिन तरीका अलग कहने का है। कहानी को तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा इस वक्त, लेकिन यही है क्योंकि अभी लिखी नहीं, उसके लिए टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। और कहानी हमारे जो प्रोड्यूसर हैं मनीष जी, उनका एक थॉट था जिसको मैंने उनके साथ मिलकर डेवलप किया, अच्छा थॉट था मनीष जी, और थॉट इतना अच्छा लगा, बहुत बढ़िया आदमी है मनीष जी, मनीष जी हैं, वो थम्स अप कर रहे हैं, हां इसलिए उनके इनकी अच्छाई करनी पड़ती है क्योंकि अभी इंस्टॉलमेंट बाकी है। जब थॉट अच्छा होता है तो डायरेक्टर को प्लॉट अच्छा मिल जाता है, प्लॉट अच्छा मिलता है तो उसको डेवलप करने में, और सारे कलाकार, मुझे इतने मजे हुए कलाकारों का मौका दिया मेरे प्रोड्यूसर साहब ने कास्ट करने के लिए, और आप सबका धन्यवाद कि उन्होंने मेरे उस सोच को सराहा, और साथ में मिलकर हम लोग एक बिल्कुल जैसे करते हैं रोहित सेठी डेविड जी बिल्डेशन, बिल्कुल वो एक फैमिली माहौल बना हुआ है और मज़ा आ रहा है। नहीं और आप लोग भी बधाई के पात्र हैं, इतनी दूर इतनी संख्या में आ गए, तो आप भी आपका भी एफर्ट बहुत रहा है, इतनी गर्मी कल बोले हैं हमारे डायरेक्टर भाई, वो कुर्सी हटा देना लाल किशन आके करके भाई इधर हूँ। हाँ
डिग्री हो चुका है। चलो रेडी के बारे में तो सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे जो मित्र जिंदगी में अपनों लोगों के लिए आप टाइम दीजिए, ये तो टाइम हाथ से निकल जाएगा। मेरा तो मामा का रोल है, कृष्णा का मामा हूँ मैं, और इसका रजनीश का मामा हूँ, शक्ति कपूर का शाला हूँ, और मेरे को इन लोगों के साथ काम करते बड़ा अच्छा लगा। मेरे को तो प्राउड है, मेरी लाइफ के अंदर ये बहुत बड़ा मोमेंट है कि मैंने ये रोल किया, और मनीष जी का मैं तहे दिल से आभारी हूँ कि मुझे ये जवाबदारी सौंपी, और इस जवाबदारी में इन लोगों ने जिस तरह साथ दिया ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है।